ये पत्थर से हो रही है तो भैया मेरी जिंदगी सफल होगी यहाँ पर आके भाई। इसके बाद मर जाऊंगी तो दुख नहीं होगा। ओ भाई साहब मेरे बाल देखो तुम। तुम्हारे तब भी बढ़िया थे। नहीं देख। सो गुड मॉर्निंग गाइस, व्लॉग को शुरू करते हैं अपने राक्षस वाले अवतार में। ये हमारा असली रूप है। इतना सोए कि मुंह में से थूक बाहर आ गया। हां चिंटी कह रहे थे। बाल की हालत खराब है। तुम्हारी वैसे ही थी ना, दोनों निकल गई। बढ़िया पड़ी होगी आप। एक पैर नहीं टूटा। एकदम गोल मटोल हो गया हूँ। हाँ। ये लाइट कितनी सही आ रही है ना? सामने से है क्या सूरज? बस तभी दिखना नहीं है पर लाइट सी जितनी आ रही है वो देखो आपको दिखाई दे रहे हैं उधर वहाँ चिंटू और चिंटू के साले दोनों के दोनों बाथरूम होने के लिए गए हैं पॉटी करने। बाथरूम होने के लिए इधर बोला हमने चिन्नू मुन्नू से दिख रहे हैं अभी ना समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। अलग अलग जा रहे हैं बदबू ना जिससे चूचे भैया तो घुस गए मुझे भैया तो घूम रहे देख देख चलो हम भी निकले खाने पीने के लिए बनाएंगे। तो यहाँ हम कर रहे हैं नाश्ता। मैंने अपने लिए बनाए हैं पराठे मतलब बनाए नहीं बनवाए हैं सॉरी और सोना ने बनाए हैं अपने लिए रोटी। ये बहुत चालू है ये प्लेन गाइस में तो इसमें गाजर है इसमें बीन्स है इसमें मिर्ची है पर वैसे तो प्लेन नहीं बोल सकती तुम के अंदर दाल भी है चावल भी है। चाय पी के देखो मस्त लगेगी तुमको। मौसम इतना खराब हो रहा है सन भी सच निकल रहा है यहाँ पर सूरज है उनका तो सारा पैकिंग हो गई है हमारा रह रहा ऑलमोस्ट पूरा हो गया थोड़ा सा चाय का लगभग हो चुके हैं अभी 9 और अभी हम यहाँ से सीधे निकल चुके हैं सिंकुला पास के लिए। बीच में पड़ेगा डारचा जहाँ से हमारी एंट्री होगी आगे जाने के लिए। तो अगर एंट्री हो गई तो अच्छी बात है अगर नहीं हुई तो फिर हमें सोच रहे हैं कि हम घर वापस ले आएंगे क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है हो सकता है कि वहाँ पर स्नोफॉल हो रहा हो तो इस चक्कर में रास्ते भी बंद कर दिए जाएँ पर जैसे भी होगा वहाँ जाकर पता चलेगा। अगर नहीं जाने दिया तो फिर भैया बोल रहे हैं कि हम यहाँ से चलेंगे उदयपुर और फिर वहाँ से सीधा कसौल होते हुए फिर अपने घर निकल जाएंगे घूमते फिरते। वैसे तो उम्मीद है क्योंकि हम कल भी गए थे तो उन्होंने बोला था कि आप नेक्स्ट डे चले आना तो अभी चेक करते हैं जाने देते हैं कि नहीं जाने देते हैं। ये जो आपको जगह दिखाई दे रही है यहाँ पर ही एंट्री हुई थी और फाइनली हमारी एंट्री हो चुकी है आगे के लिए हम चल चुके हैं। सबसे अच्छी बात है कि हमारी जो कार है वो 4x4 है तो फिर उसके लिए थोड़ा सा एंट्री लेना ज़्यादा हार्ड नहीं है तो अभी चलते हैं आगे। तो लगभग हमने बर्फीली पहाड़ियों के आसपास हमने एंट्री कर दी है और यहाँ पर इतना खूबसूरत लग रहा है ना ये प्यारा लग रहा है और रास्ते मतलब जो रास्ता हम जिससे जा रहे हैं वो थोड़ा सा ऑफ रोडिंग है और थोड़ा क्या थोड़ा ज़्यादा ऑफ रोडिंग होगा लेकिन ये भी एक एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होने वाला है जहाँ तक मुझे लगता है। और जाते जाते देखते चलते हैं बीच में बहुत ही प्यारे प्यारे नज़ारे हैं इतने अलग अलग पहाड़ थोड़ी थोड़ी दूर में चेंज हो रहे हैं अभी फ़िलहाल तो लेकिन बर्फीली पहाड़ियाँ हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है इतना रॉ लग रहा है ना रोड। भैया बताते हैं कि यही इसकी जगह की पूरी खूबसूरती है कि ये इतना रॉ है जैसे ये रोड बन जाएगा उसकी खूबसूरती धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा जाने लगेंगे फिर कचरा फैलाने लगेंगे तो फिर वही ऐसा हो जाता है। तो फिलहाल हम चलते हैं ऑफ रोडिंग करते हुए और पूरे मज़े लेते हुए। ओ, 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 भाई साहब क्या बर्फ है
फ्लडिंग के, तो बहुत ही ज्यादा फ्लडिंग है। अब चारों तरफ बर्फ दिखाई दे रही है, इतनी बर्फ मैंने पहली बार देखी। लेकिन मेल्ट हो रही है ना, पानी आ रहा है नीचे से। हाँ मस्त लग रहा है इस साइड में, क्या मस्त बर्फ आ रही है। सबके सब अपने अपने उसमें व्लॉग कर रहे हैं। दीवार बनी पड़ी है पूरी, इसमें दूर दूर तक से बर्फ के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सुंदर लग रहा है ना, त्रिशूल से लटके पड़े इनमें देखो कितने सारे। ये कितना सही लग रहा है, ये कितना ऊंचा है यार, इस कार से भी ऊंचा निकल गया। मेरा हाथ पहुंच सकता है क्या उधर? नहीं पहुंच। ये वही पत्थर सी हो रही है तो भैया, है ना? मुझे लगा सॉफ्ट होंगी, दिखने असली से सॉफ्ट सी है। कितना मस्त लग रहा है, इतना जितनी हमारी कार है उतनी इसमें बर्फ है। और यहाँ पर हमारे दो शख्स गए हैं आगे, एक रील बना रहा है और एक वीडियो बना रहा है भैया की। मस्त ही नजारा है, अरे वाह मजा ही आ गया। अभी फिलहाल हम आ गए यहाँ पर सिंकुला टॉप, यहाँ पर लिखा हुआ है ये, और इसके जैसे पास में है ना तो यहाँ पर ये भी लगे हुए हैं। सांस ही फूल रही है, लेकिन मजा आ गया। मेरी जिंदगी सफल होगी यहाँ पर आके भाई, इसके बाद मर जाऊंगी तो दुख नहीं होगा। बहुत ही मस्त लग रहा है। मैंने यहाँ पर आके सीधा अपने बूट्स पहने क्योंकि बर्फ बर्फ में चलेंगे तो थोड़ा सही रहेगा। हमारे दूसरी घर भी आ चुकी है। यहाँ के पहाड़ों में बादलों से बिल्कुल मिले हुए हैं, इधर इधर और इधर। मस्त लग रहा है बाबा। भैया कटा लो पहाड़ एक बार, अरे एक बार तो कर दो। ये ज्यादा अच्छा आया होगा, ये अब तक इन लाल की बेस्ट होगी वाली। फुटे जरा क्लच हो चुके हैं, अब बोला नहीं जा रहा, होट वोट सब सूख गए हैं बिल्कुल। चलो अब चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, सबकी रील बनी है, सबके फोटो क्लिक हो गए। विश भैया यार दे दो, मेरे शीशा किसी ने साफ नहीं करा। भैया मैडम का शीशा क्यों नहीं साफ कर रहा है? मैडम का सबसे ज्यादा जरूरी है। मैडम बड़ी ब्लॉगर है। हाँ शीशा साफ करो, चलो। क्या बात है, ये शिद्दत होनी चाहिए, खुद आके साफ करा है। यहाँ से भी कर देना, यहाँ से भैया। क्या बात है, क्या बात है, शाबाश। इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। हाँ इतना ही बहुत है, चलो। तो भाई साहब पता नहीं कहाँ कहाँ तो बर्फ गिरी है मेरे। चलो हमारी 4x4 गाड़ी है, इस चक्कर में पे थोड़ा बहुत हो पा रहा है, वरना अगर कोई और नॉर्मल ले गाड़ी तो मुझे लगता नहीं चला पाएगी, है ना भैया? पीछे कर लो पीछे देखो, है रास्ता है, रास्ता है। अब इनको भी पीछे करने पड़ेगी तभी निकल पाएगा ट्रक भी है। लो भी तो पीछे, नॉर्मल गाड़ी आए तो भी बर्फ में फंस जाएगी। ऐसी जगह पर तो ना 4x4 ही आए तो ही बढ़िया है। आ रही है। भैया कह रहे हैं ये रिकवरी वाली। हाँ लिखा तो है मलिक बॉक्सर जो वो बता। ओके